पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन एक कॉमन कंडीशन है गुर्दे की, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस में एक साइलेंट कंडीशन है, जिसकी वजह से अक्सर किडनी खराब हो जाती है। जिस भी किडनी के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी बार ये प्रॉब्लम साइलेंटली चली जाती है, पता भी नहीं चलता। और अक्सर हम लोग जो हैं, वी आर कॉट सरप्राइज, क्योंकि ऐसा होता है कि टेस्ट किसी और कारण से करवाया होता है, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन किसी और कारण से करवाया होता है, और पता चलता है कि एक गुर्दा जो है डैमेज हो चुका है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। किडनी जो है यूरिन बनाती है, किडनी से जो यूरिन बनता है वो एक ट्यूब के रास्ते पेशाब की थैली, जिसको यूरिन एंड ब्लैडर कहते हैं, वहां तक जाता है। ये ट्यूब जो है इसको यूरेटर कहते हैं। जो इसका शुरुआत का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन जो किडनी से शुरुआत होती है, उसको हम पेल्विस कहते हैं, और नीचे की जो पतली ट्यूब है उसको हम यूरेटर कहते हैं। इन दोनों का जो जॉइंट है उसमें अगर किसी कारण से ब्लॉकेज आ जाए तो उसको हम मेडिकल भाषा में PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये जो ब्लॉकेज है कुछ कारणों से हो सकती है, मेजॉरिटी केसेस में बाय बर्थ होती है, जन्म से ही इस एरिया की जो मसल है वो डिफेक्टिव होती है और वहाँ पे एक ब्लॉकेज हो जाती है। लेटर ऑन अगर लाइफ में हो रही है तो ये हो सकती है, अगर वहाँ पे कभी कोई सर्जरी हुई हो उस एरिया में, स्टोन रिमूवल हुआ हो या स्टोन फंसा रहा हो उस एरिया में काफ़ी टाइम तक, तो उसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो सकती है। कुछ रेयर केसेस में वहाँ पे कैंसर की वजह से ऐसा हो सकता है। और दूसरे जो कॉमन कारण है, वहाँ पे कोई खून की जो ब्लड वेसल है, कोई खून की नली वहाँ से क्रॉस कर रही हो ट्यूब के ऊपर से, तो उसकी वजह से वहाँ ब्लॉकेज हो सकती है। काफ़ी बार जो है ये साइलेंट होती है डिजीज़, कुछ पता नहीं चलता, सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं, कभी कभी पेट में भारीपन या फिर हल्का दर्द हो सकता है, स्पेशली जब आप बहुत पानी पीते हैं या बहुत लिक्विड्स लिए हो, किसी ने कॉफ़ी ली हो ज़्यादा और या फिर अल्कोहल लिए हो, तो उस टाइम पे अचानक से जो है किडनी फूल जाती है और वहाँ पे यूरिन जो है पास नहीं हो पाता ट्यूब के रास्ते, तो वहाँ पे सडनली जो खिंचाव की वजह से किडनी के अंदर प्रेशर बिल्ड होने की वजह से पेन होता है, जिसकी वजह से जो है लोग इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। इसको हम मेडिकल भाषा में डिटल्स क्राइसिस भी बोलते हैं। कभी कभी जो यूरिन जो इकट्ठा हुआ हुआ है किडनी के अंदर जो पास नहीं कर पा रहा, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से तेज़ बुखार आना, वॉमिटिंग होना या फिर यूरिन में कभी कभी ब्लड आ सकता है, ये सब चीज़ों के साथ इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बार ये सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, पता नहीं चलते, अननोटिस चले जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो यूरिन किडनी के अंदर इकट्ठा हो रहा है प्रेशर के साथ, वो धीरे धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, और धीरे धीरे वो किडनी जो है वो बहुत पतली हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, कई बार वो एकदम एंड स्टेज पे पता चलता है किडनी ये नष्ट हो चुकी है, उसको निकालने की जरूरत भी पड़ती है। तो इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसका डायग्नोसिस जो है कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड में स्वेलिंग पता चल जाती है कि किडनी फूली हुई है, लेकिन उसका एग्जैक्ट जो एनाटॉमी पता करने के लिए सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, कंट्रास्ट वाला, जिसमें कि नस के अंदर इंजेक्शन दे करके रंगीन एक सीटी स्कैन किया जाता है, जिसको कंट्रास्ट सीटी कहा जाता है। इससे क्लियर एनाटॉमी पता चल जाती है, क्लियर चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये कितनी ब्लॉकेज है या कैसी ब्लॉकेज है, किस कारण से ब्लॉकेज है। दूसरा जो स्कैन करना पड़ता है वो है DTPA स्कैन। DTPA स्कैन से ये पता चलता है कि ब्लॉकेज किस हद तक है, उसने गुर्दे को कितना नुकसान पहुंचाया, क्या जो ब्लॉकेज है वो कंप्लीट है या पार्शल है। ये सब ये दो टेस्ट हैं जो मेन किडनी का हमें फंक्शन का और ब्लॉकेज का अंदाज़ा देते हैं। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? अगर तो ब्लॉकेज इनकम्प्लीट है, अगर वो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, DTPA में फंक्शन जो है किडनी का वो बहुत ख़राब नहीं है, तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ हम लोग साल में या हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड या DTPA करा के देख सकते हैं एनुअल बेसिस पे, देखने के लिए कि किडनी फंक्शन ख़राब तो नहीं हो रहा है। अगर वो डिटोरेट हो रहा है या फिर सिम्टम्स आ रहे हैं बार बार पेन के, तो उस केस में हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। अगर तो फंक्शन ऑलरेडी ख़राब है, पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उस केस में सर्जरी करना बेटर रहता है। अब ये सर्जरी कैसे की जाती है? इसको सर्जरी करने के 3 तरीके होते हैं, ओपन सर्जिकल मेथड, लैप्रोस्कोपिक मेथड जिसको कि की होल सर्जरी कहते हैं, या फिर रोबोटिक सर्जरी द्वारा।
बहुत छोटे बच्चे जो हैं उसके अंदर हम ओपन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि कट बहुत छोटा होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है बच्चों में। एडल्ट्स के अंदर हम प्रेफर करते हैं लैप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक सर्जरी। उसमें क्या करते हैं, जो एरिया ब्लॉक्ड है उस एरिया को हम, ब्लॉक पोर्शन को हम काट देते हैं और वो पोर्शन रिमूव किया जाता है। जो नॉर्मल एंड्स हैं उस ट्यूब के, उसको हम आपस में जोड़ देते हैं टांकों से, और उसके अंदर एक नली छोड़नी पड़ती है जिसको हम डीजे स्टेंट कहते हैं। इसके ऊपर जो है हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, और लैप्रोस्कोपिक मेथड या फिर रोबोटिक सर्जरी द्वारा ये प्रोसीजर जो है, रिकवरी जो पेशेंट की है वो बहुत फास्ट है और बॉडी पे ज़्यादा कट नहीं आते हैं, और जो है हीलिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है और पेन भी कम रहता है। और जो अंदर जो स्टेंट छोड़ा जाता है उसको हम आमतौर पर 6 हफ्ते के बाद निकालते हैं। फॉलो अप पे जो है हम साल में एक बार DTP स्कैन करवाते हैं देखने के लिए कि वो किडनी फंक्शन फर्दर वर्सन तो नहीं हुआ है। पर इसके अंदर क्या होता है कि प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन अगर लाइफ में बहुत लेट पता चलता है, जो जो कि अक्सर ऐसा ही होता है कि एडल्टहुड में पता चलता है, तब तक कुछ ना कुछ कई बार नुकसान हो चुका होता है किडनी फंक्शन का। तो उस केस में जो नुकसान हो चुका है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन आगे फंक्शन डिटोरेट ना हो उसका ये पर्पस रहता है। सर्जरी के बाद 10% लोगों के अंदर ये चीज़ दोबारा वापस आ सकती है। दूसरे जो लेस इन्वेजिव मेथड हैं इसको ट्रीट करने के लिए, उसको हम एंडोपायलोटॉमी करते हैं। इसके अंदर बॉडी के ऊपर कोई कट या होल नहीं आता है, दूरबीन के रास्ते से, यूरिन के रास्ते में जहाँ पर ट्यूब ब्लॉक्ड है उसको अंदर से हम लेज़र द्वारा उसको हम कट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत कामयाब नहीं है, इसके अंदर रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो है ये हम आमतौर पे प्राइमरी जो ब्लॉकेजेस हैं उसके अंदर, फर्स्ट टाइम जो डायग्नोज हुए उसके अंदर ये मेथड यूज़ या प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन कोई जो पाइलोप्लास्टी जो है, जो पहले जो ऑपरेशंस सक्सेसफुल नहीं रहे जिसके अंदर रिकरेंस आई है, तो उस केस के अंदर हम ये मेथड ऑफर कर सकते हैं, या फिर हम रीडू पाइलोप्लास्टी मतलब वही सर्जरी दोबारा ऑफर कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई अल्ट्रासाउंड के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में स्वेलिंग, मेडिकल भाषा में इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, अगर ये टर्म देखें तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि एक अंडरलाइंग PUJ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी वजह से किडनी में नुकसान हो सकता है और वो किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है। कन्फर्म करने के लिए हम लोग CT स्कैन करवाते हैं या फिर DTPA स्कैन कराते हैं, या फिर ये दो जो मेथड्स हैं इससे हम डायग्नोसिस कंफर्म कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली में।